dear students, a very good day to all of you. Today we will start our day with the COVID pledge. That is, I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home, safe from this chronic disease and following the key COVID appropriate behaviors, like washing your hand, keeping social distance and wearing mask. Now what we will do today, we will solve the numericals as given in our chapter, grids, latitudes and longitude. Now first example we have here. Find out the time difference between Greenwich, that is 0 longitude, and Allahabad, that is 82 degree 30 minute east longitude. तो हम सभी को पता है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है, इंडिया का मेरिडियन यानी कि इंडियन मेरिडियन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को वैल्यूएट करने के लिए ये हमारा सेंट्रल मेरिडियन है. तो हमें ग्रीनविच का लॉन्गिट्यूड दिया गया है, दैट इज 0 डिग्री. लॉन्गिट्यूड अलाहाबाद का कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट्स. नाउ लॉन्गिट्यूड का, दोनों लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस कितना हुआ, राइट, दैट इज लॉन्गिट्यूड ऑफ इलाहाबाद माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ ग्रीनविच, दैट इज 0 डिग्री. नाउ द टोटल डिफरेंस इज 82 डिग्री 30 मिनट्स इज द टोटल डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. नाउ दोनों प्लेसेस का अगर हमें टाइम इवेल्यूएट करना हो कि टाइम डिफरेंस कितना है, तो हमें ये क्लियर है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, यानी कि 1 डिग्री किसके बराबर है, 4 मिनट के बराबर है. और 15 लॉन्गिट्यूड कितने टाइम में कवर करते हैं, 1 आवर में. तो हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 82 डिग्री. अब 82 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम द मिनट्स, राइट. तो 82 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 328. नाउ हमारे पास क्या था कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पास करने के लिए हमें 1 आवर लगता है, राइट. यानी कि 15 डिग्री को हम पास करते हैं 1 आवर में. ओवर हेयर हमारे पास क्या है, 1 डिग्री का हाफ, दैट इज 30 मिनट. अब 1 डिग्री के लिए हम कितना टाइम लेते हैं, 4 मिनट. तो हाफ डिग्री के लिए कितना लेंगे, 2 मिनट्स. 82 मल्टीप्लाई 4, दैट इज इक्वल टू 328. And 2 minutes of this half degree, 328 plus 330 is, plus 2 is 330. तो अगर हम इसको minutes में convert करते तो it will be 330 divided by 1 minute, 1 hour में कितने minutes होते हैं, 60 minutes. तो 330 divided by 60 is equal to 5 hours and 30 minutes. Now इलाहाबाद जो है east में है, Greenwich के east में. We India जो है eastern region में है, तो इलाहाबाद is in the ईस्ट फ्रॉम द ग्रीनविच. तो इसीलिए इलाहाबाद का जो टाइम है ग्रीनविच टाइम से कितना आगे होगा, 5 आवर 30 मिनट्स. क्योंकि जब हमने पहले भी किया था कि वेस्टर्न रीजन में जब हम जाते हैं तब हमारा वन डे जो है बैक हो जाता है, यानी कि माइनस में जाता है. जब हम ईस्टर्न रीजन की तरफ जाते हैं तब हमारा वन डे गेन होता है, यानी कि हम एडवांस टाइम में हो जाते हैं, ठीक है. तो इंडिया का जो आईएसटी टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीनविच टाइम बनता है, दैट इज 5 आवर एंड 3 मिनट, यानी कि हम ग्रीनविच से 5 घंटे और 30 मिनट आगे हैं. तो इसलिए जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होते हैं, देन इंडियन टाइम विल बी 5:30 PM, राइट. नेक्स्ट हमारे पास है, फाइंड आउट द टाइम एट 40 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन टाइम एट 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज 2 PM. अभी यहाँ पे हमें ईस्ट एंड वेस्ट दो अलग अलग रीजन दिए हैं, यानी कि दिस साइड इज द ईस्टर्न साइड एंड दिस साइड इन द वेस्टर्न साइड. नाउ टाइम एट 20 डिग्री वेस्ट कितना होगा, 2 PM जो हमें दिया गया है. डिफरेंस कितना होगा लॉन्गिट्यूड का, एक तरफ है बेटा 40 डिग्री ईस्ट, यानी कि वो सेंट्रल ग्रीनविच से 40 डिग्री ईस्ट है, दूसरी तरफ है सेंट्रल मेरिडियन से 20 डिग्री वेस्ट. तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 40 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 60, राइट. ये क्लियर है.
अभी दोनों का जो टाइम डिफरेंस है हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है. अगर हम उनको मिनट में इवेल्युएट करें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, देन 60 डिग्री मल्टीप्लाई 4 विल बी 240 मिनट्स, या हम कह सकते हैं 4 आवर्स. तो टाइम एट 40 डिग्री ईस्ट विल बी 4 आवर अहेड ऑफ टाइम एट 20 डिग्री वेस्ट, यानी कि 40 डिग्री में ईस्ट में जो टाइम होगा वो 20 डिग्री वेस्ट से 4 घंटे आगे होगा. तो हमें क्वेश्चन में भी अभी दिया गया है कि 20 डिग्री वेस्ट का लॉन्गिट्यूड का टाइम जो है वो 2 पीएम है. तो यहाँ पे अगर 2 पीएम है तो ईस्टर्न रीजन का टाइम इससे 4 आवर्स एडवांस होगा, देन इट विल बी 2 o'clock प्लस 4 आवर्स मोर, इट विल बिकम 6 पीएम. नेक्स्ट वी हैव इट इज 11 am इन दिल्ली. दिल्ली का हमारा लॉन्गिट्यूड क्या है 77 डिग्री ईस्ट, एंड व्हाट विल बी द टाइम एट टोक्यो विच इज सिचुएटेड एट 140 डिग्री ईस्ट. अभी ये दोनों रीजन ईस्ट में है, ठीक है, और दिल्ली का टाइम हमें दिया गया है 11 am. तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 140 डिग्री माइनस 77 डिग्री, दैट इज 63 डिग्री. तो हमारे पास 63 डिग्री आ गया. अभी 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स है, तो 63 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 विल बिकम 252 मिनट्स, या अगर इनको डिवाइड करें 60 से आवर्स में कन्वर्ट करें इट विल बिकम 4 आवर एंड 12 मिनट्स. अभी जो दिल्ली है राइट वो ईस्टर्न रीजन से ओनली 77 है एंड दिस इज 140, ठीक है. तो दिल्ली और टोक्यो के टाइम में डिफरेंस कितना होगा 4 आवर्स एंड 12 मिनट्स. तो टोक्यो जो है दिल्ली के ईस्ट में है बेटा, जैसे दिल्ली ईस्ट में यहाँ पे आता है एंड टोक्यो इज फार अहेड टू ईस्ट, राइट. तो टोक्यो में 12 o'clock का टाइम पहले होगा एंड दिल्ली में 12 o'clock का टाइम बाद में आता है. तो दस टाइम एट टोक्यो विल बी 11 am जो दिल्ली का बोला है प्लस जो 4 आवर 12 मिनट हो गए, यानी कि जब दिल्ली में 11 o'clock होंगे तब तक टोक्यो में 3:12 ऑफ द नून टाइम, यानी कि 3:12 ऑफ द नून टाइम हो गई. नाउ अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट विल बी द टाइम एट 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन टाइम इज 10 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज 8. तो 10 डिग्री वेस्ट का हमें टाइम दिया गया है, दोनों का डिफरेंस हो गया 80, राइट. जब दोनों का डिफरेंस हमारे पास 80 आ जाता है तो दोनों के डिफरेंस को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें देन व्हाट इट विल बी 80 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 320 मिनट्स, और उसको अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो इट विल बिकम 5 आवर्स एंड 20 मिनट्स. तो 90 डिग्री वेस्ट में 10 डिग्री वेस्ट है लॉन्गिट्यूड, ठीक है. तो उसमें टाइम कितना होगा हमारे पास दिया गया था 8 am. 8 am में से जो हमारे 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स हम रिड्यूस कर देंगे तो क्या बन जाएगा वे अर्ली मॉर्निंग का टाइम, दैट इज 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स. नाउ होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज न्यूमेरिकल्स एज वेल. वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग दोज न्यूमेरिकल प्रॉपरली. थैंक यू.